रुको, हीलो। कहाँ मस्ती सूझ रही है तुम कहाँ? मौसी, ओ मौसी। आई कौन? ओहो, आई तू आया है? हाँ, बारिश है? हाँ। आपका मनी ऑर्डर आया है। यहाँ पे। यहाँ? हाँ। और हाँ, इस बार आपकी चिट्ठी भी आई है। चिट्ठी? हाँ, धन्यवाद। आ छोटू। आ छोटू। देखो। इडा की आया था मनी ऑर्डर तो सुरीली के बापू ने भेजा होगा और चिट्ठी कौन लिखा है हमका? अरे चिट्ठी तो पिताजी लिखते थे वो भी मोहल्ले की सारी औरतों को। हमें लगता है कि इस बार हमारी भगोड़ी बीवी ने हमें ये चिट्ठी लिखी है प्रेम पत्र। देखो देखो दीदी देखो। देखो मुकुंदी हमको पढ़ना आता है। ये कह रहा है पढ़ के सुनाओ। कैसे पढ़ के सुनाएंगे? लाओ मौसी हम पढ़े देते हैं। अरे तो प्रेम पत्र है तुम्हारा नहीं है मौसी का है। क्या चमेली ने दीदी के लिए प्रेम पत्र लिखा है? अरे मौसा ने लिखा है मौसी को मुंबई से। ये बात मौसा ने प्रेम पत्र लिखा है मौसी के नाम? मौसी क्या बात है? ए मिर्चा, ए मिद्दू, ए लीजा, तुझे भैया आओ तो मौसी का प्रेम पत्र। आई जाओ। धत तेरे की, एक तो चमेली घर से भाग गई, उसके बाद उसने कभी भी हमें कोई प्रेम पत्र नहीं लिखा। इस बात का दीदी हमें बहुत दुख है। और जब हमें किसी बात का दुख होता है ना तो हमें बहुत जोर की भूख लगती है। तो दीदी इस भूख को मिटाने के लिए हमें हलवा पूरी खानी पड़ती है, इसलिए हम वो हलवा पूरी खा के आते हैं जो तुमने अभी बनाए हैं। अरे जीजा जी चिट्ठी तो पढ़िए मौसा ने क्या लिखा हैंगे। पढ़ते हैं पढ़ते हैं। मेरी प्राण प्यारी मेरी दुलारी मिश्री, तुमसे कोसों दूर बैठेला हूं पर तुम अपुन के दिल के हमेशा करीब रहती हो। सूरज के साथ जागती हो हवा के साथ बहती हो। सूरज की पहली किरण अपुन को तुम्हारे चेहरे की चमक याद दिलाती है। समुंदर की हर लहर ऐसा लगता है तुम्हारी आंखों से निकल कर आती है। अपुन को गांव की पगडंडी पर तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना याद आता है। जब शहर का रास्ता रोज मेरे को काम पे ले जाता है। जब थकान हो तो अपुन के लिए तकिया भी तुम्हारी गोद बन जाता है। मेरे गांव की गोरी शहरी स्टाइल में कहरेला हूं आई लव यू एंड आई मिस यू। हाय भैया। अंत में दो शेर और कहरेला हूं कि सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दे रेला हूं। मिश्री तेरे प्रेम में खाना पीना भी छोड़ दे रेला हूं। बिस्कुट पड़ेले हैं प्लेट पे खाती काय को नहीं। मिश्री प्रेम करती है तो बताती काय को नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिस्कुट पड़ेला है प्लेट पे। तुम्हारा अपना इश। अरे मौसी कहाँ गई? मौसी, ए मौसी, मौसी, ए मौसी कहाँ हो? हम यहाँ हैं। कहाँ है? ऐसे कहाँ छिपे हो? हाँ बाहर निकलो। ओह हम बाहर नहीं आ सकते, हमको क्या कहते हैं वो आ रही है। वो कहाँ आ रही है? ओह जो जो आने पर जो है आंखें झुक जाती है। अरे आंख में तो कचरा जाने से आंख झुक जाती हैंगी। ओह पकड़ा गया है लीजा। ओह वो आने से जो है दुल्हन घर के अंदर भाग जाती है।
दुल्हन तो अपने ससुर के आने पे घर के अंदर भाग जाती है। तुम्हारे ससुर जी आ रहे का? हाय भैया। ओहो आप अगला गए हो का? ससुर माँ है वो। ओहो हमको वो आ रही है बस। अरे मौसी जो भी आ रही है लेकिन शर्मा कह रही हो। हाँ शर्मा गए हैं हम। हाँ सुरीली के बापू का प्रेम पत्र सुनकर जो है हमको शर्म आ गई है इसलिए हम छुप गए हैं। हाँ लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुशी भी तो हो रही होगी ना मौसी। मौसी तो शर्मा के भाग ही गई है पर मानना पड़ेगा का सायराना अंदाज में प्रेम पत्र लिखा है मौसा जी ने। भाई अच्छा लगता है जब लोग प्रेम का इजहार ऐसे भी करते हैं। ये प्रेम की रस्सी ही है जो गृहस्थी की गाड़ी के पहियों को आपस में ऐसे बांधे रखती है और गृहस्थी की गाड़ी हमेशा चलती रहती है। लेकिन कभी कभी गृहस्थी की गाड़ी के रास्ते में समय का ऐसा मोड़ भी आता है जब दूरियां बढ़ जाती है, लोग एक दूसरे से प्रेम का इजहार करना बंद कर देते हैं। जी? ओ जी। तुमने तो कभी बंद ना है किया। हमें अपनी जान जोखिम में डालनी है का जो बंद करें? का? का मतलब है? अरे कुछ नहीं, अरे हमको दफ्तर जाना है भाई बच्चो। हे भगवान, लगता है हमारी जिंदगी में भी उस मोड़ का मुरादाबाद आ ही गया है जिसकी बात जीजा कर रहे हैं। मतलब ललन जी का प्रेम हमरे लिए कम हो गया है। हे मोरी मैया, अब हम का करें? सुत्ती भैया को ऐसे बछड़े की तरह बांध के कहाँ ले जा रही हो? मेला माँ, वो इंदुमती बता रही थी कि मेला में बहुत अच्छे अच्छे झूले आए हैं और बहुत सारे पकवान भी मिलेंगे तो हम लोग मेला घूमने जा रहे हैं। चलो। वो तो ठीक है पर इस तरह बांध के बनारस काहे हो रही हो? खोलो सुत्ती भैया को। अरे बिंदु भाभी वही तो हम भी कह रहे हैं कि हमें खोल दो हमारी इमरती। अपना मुँह मत खोलो, नहीं खोलेंगे हम तुमको, नहीं तो पिछली बार की तरह भाग जाओगे। हाँ अरे गलती हो गई थी हमारी इमरती, अब नहीं भागेंगे, हम वादा करते हैं। नहीं अरे मिर्चा का कर रही हो? खोलो सुत्ती भैया को, देखो ना कितना डरे हुए हैं, खोलो। अच्छा ठीक है तुम कहती हो तो खोल देते हैं। हाँ छोड़ेंगे। हाँ तो हम क्या कह रहे थे कि आज हम मेला में खूब झूला झूलेंगे और तरह तरह के पकवान खाएंगे। हाँ चलो चलो। अरे हमारी इमरती झूला पर मत चढ़ना, याद है पिछले मेले में जब तुम बड़े वाले झूले पर चढ़ी थी तो पूरा झूला टूट के नीचे गिर गया था और 50 लोग उसके नीचे दब गए थे। अच्छा ठीक है तो फिर हम पकवान खाकर ही अपना काम चला लेंगे। हाँ पकवान खाकर गई महीने भर की कमाई खड्डे में। अरे ओ हमरे समोसा, तुम हमरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? हाँ अरे कैसी बात करती हो मिर्चा, हम तो तुम्हारे लिए ही तो कमाते हैं। चलो चलो मेला चलते हैं। हम ना सोच रहे हैं कि दूसरा नया साड़ी भी खरीद लेंगे। हैं सुत्ती भैया कितना प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, मेला ले गए हैं पकवान खिलाने के लिए और एक हमरे PWD बाबू हैं। मेला तो क्या, कभी हमको किसी ठेला पर भी ना ही ले गए कुछ खिलाने के लिए। आज आने दो, खबर का खड़गपुर लेते हैं ललन जी का, आज तो फैसला हो ही जाए कि वो हमसे प्रेम का पीतम पुर करते हैं या नहीं। मेरी सांसों में तू, मेरी धड़कन में तू, मेरे निगाहों में तू, मेरे चारों तरफ बस तू ही तू,
I love you. अरे क्या कह रहे हो? हे राम, अरे देखो देखो, ये आदमी हमें छेड़ रहा है और आई लव यू बोल रहा है। अरे हम नहीं छेड़ रहे थे, ये छेड़ रहे थे, ये इन्होंने कहा है आई लव यू। ए बाबू, तुमने छेड़ा है का? तुमने आई लव यू बोला है का? अरे बोलते का है नहीं? हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अभी दिखाते हैं। लल्लन जी, वो गाना पूरा कीजिए। मेरी नींदों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी धड़कन में तू, मेरे चारों तरफ बस तू ही तू। आई लव यू, 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 आई लव यू। देखा फिर बोला। अरे ये तो वही आदमी लग रहा है जो कल धक्का मार के बीच बीच में घुस रहा था है? और पता है आज मौका मिला ना तो देखो कैसे कर रहा है, खूबसूरत जवान औरत को देख के छेड़ रहा है। मारो इसे। अरे देख क्या रहे हो, मारो मारो। एलिजा, ये सब मिलकर किसका क्रियाकर्म कर रहे हैं? हमको नहीं पता है गुड्डू। अच्छा तो चलो हम भी हाथ साफ कराते हैं, काहे कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अरे नहीं नहीं गुड्डू, हमें तो औरतों की झुंड देख कर ही डर लगता है। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, कहीं हमरी सुताई कर दे तो। अरे औरतों से डरोगे तो हो चुकी तुम्हारी शादी। अरे मर्द बनो मर्द। आ चलो ऐसा हैंगे तो फिर चलो चलो आओ। अरे बता। अरे रुका। अच्छा ये तो कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। अच्छा हाँ। अरे गुड्डू, ये तो जीजा जी की वाइफ के जीजा जी हैंगे। हाँ। अरे हाँ सही में ललन जी। अरे रुको रुको बहनों, आंटियों, काकियों, रुको रुको। अरे भाई आप लोग काहे इनको काहे मार रही हैं? हाँ माना कि इनकी शक्ल मार खाने लायक हैंगे, पर कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से आप इनको मार रहे हैंगे। अरे इसने हमको छेड़ा है, आई लव यू बोला है। हैं? अरे बाप रे। लल्लन जी, ये बुढ़ापे में कौन सा शौक पाल लिया है आई लव यू बोल के पराई औरतों को छेड़ने का? अरे हम नहीं बोले भाई, हमने नहीं छेड़ा है, मामा हमको फंसा के भाग गया है। हम तो अपनी पत्नी को भी आई लव यू नहीं बोलते हैं, तो दूसरे की पत्नी को आई लव यू कैसे बोलेंगे? झूठ बोल रहा है ये। आई लव यू कहते हुए हमने अपने कानों से सुना है। कान पकड़ के उठक बैठक करो वरना अभी पुलिस को बुलाते हैं। हाँ हम कान पकड़ के उठक बैठक करें? हम लल्लन जी, PWD वाले लल्लन जी? अरे हम तो ऐसे वैसे आदमी नहीं है, बता दे रहे। हाँ नहीं तो रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गया। हाँ लल्लन जी, ये औरतें बहुत गुस्से में हैं, चंडी बन चुकी हैं। हाँ जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, इससे पहले ये लोग PWD का पी अलग W अलग डी अलग कर दे, आप कान पकड़ के उठक बैठक करके माफी मांग लो। आप माफी काहे नहीं मांगते हैंगे? हम कह रहे हैंगे माफी मांगिए। अच्छा तुम कहते हो तो माफी मांग लेते हैं। यार हमसे उठा नहीं जा रहा है। हम उठाए का? नहीं 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 उठते हैं। क्यों अब किसी औरत को छेड़ेंगे, आई लव यू बोलेंगे? हाँ विद्या रानी की कसम, हम आज के बाद अपनी पत्नी को भी आई लव यू नहीं बोलेंगे। हमको माफ कर दो। चलो बहनों, चलो चलो। हाँ बहनों। गुड्डू ये अच्छा हुआ औरतें चली गई हैंगी।
जीजा जी की वाइफ के जीजा जी भी चले गए होंगे? अरे चले नहीं गए, फिर से ऐट गए हैं, यानी जमीन पे बैठ गए हैं। ये सब मामा का किया धरा है, हम मामा को छोड़ेंगे नहीं, हमको पिटवाया, हमको लल्ला जी को, पीडब्ल्यूडी वाले लल्ला जी को पिटाया। बिंदुमती पानी गरम करके लाओ, सिकाई करनी है। का बिंदुमती तुम ठीक तो हो ना? अरे बौरा तो नहीं गई हो? कैसी लेके हमारी तरफ काहे बढ़ रही हो भाई? वो तो तुम्हारे शर्ट पे बटन लगा रहे थे ना, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। वैसे ये का हाल का हथिया बनाए रखे हो? हाँ क्या हुआ? अब इंदुमती कहा है ना कि हम नाले में गिर गए, इसलिए इसे हाल हो गया हमारा। हे भगवान, क्या करे ये आदमी कहा? सड़क पे ऐसे ही चलते चलते नाले के नैनीताल में गिर गए। अब बताओगे ना ही कैसे गिर गए? हाँ कहा है कि बारिश का मौसम है ना, तो नाला भरा हुआ था, दिखा नहीं, उसी में गिर गए। पर तुम तो सूखे का सूरत लग रहे हो, गीले का गाजीपुर ना ही, ऐसे कैसे? हाँ बिंदुमती तुमको गीले सूखे की पड़ी है, इधर हमको चोट लगी है, तुमको हमारी कौनो फिकर नहीं है, गीले सूखे की फिकर है। जाओ जाकर के पानी गर्म करो, शिकायत करनी है। हाँ हाँ लाते लाते। पाल पाल बच गए। आराम से बिंदुमती, आराम से, बहुत मारा है। हाँ? अरे मार लगी है। हाँ। बहुत जोर से लगी है। ए, सुनो। हाँ, सुनाओ। एक बात तो बताओ। का? तुम हमसे प्रेम करते हो? का नहीं मुसीबत है। अरे का सोच रहे हो, बताओ ना, हमसे प्रेम करते हो? बिंदुमती अचानक से ई सवाल। अरे काहे ना ही पूछ सकते, बोलो ना, बोलो, अरे बोलो बोलो। क्या है? बोलो। अब हाँ, हाँ, प्रेम करते हैं। तो फिर हमें अब आई लव यू बोलो। क्या? अरे सुनाई ना ही दिया का? आई लव यू बोलो, इसने हमको छेड़ा है, आई लव यू बोला है। अब फिर तुम सोच के सिकंदराबाद में चले गए? हाँ हमने कहा हमें प्रेम करते हो तो आई लव यू बोलो। बिंदुमती ऐसा है कि हम ही नहीं बोल सकते हैं। का? हमें पता था तुम हमसे प्रेम का पतियाला ना ही करते हो। नहीं बिंदुमती, हमको सब पता है। हाय हमारी तो जिंदगी ही खराब हो गई, तुम्हारा प्रेम अब हमरे लिए खत्म हो गया है, हम तो लुट ही गए, हम तो बर्बाद हो गए। हमको ना ये बात बहुत पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। कितने दिन हो गए तुम हमरे लिए गजरे का कानपुर तो छोड़ो, वो गजरे का गाजीपुर तक ना ही लाए हो। हाँ रसोई जैसा बस खाना बनवाए हो और नौकरानी की तरह झाड़ू पोछा लगवाए हो। हाँ बिंदुमती, पर बीवी जैसा समझ कर ना कभी तारीफ का टेहरी गढ़वाल ना ही किए हो। आए दया करें। अरे आप बिंदुमती अपनी बात तो सुनो। हमको कुछ नहीं सुनना है, और अब सुनने समझने के लिए ना कुछ रहा ना ही। अभी क्या नहीं मुसीबत है? अच्छा तो अब हम मुसीबत हो गए, हम खूब समझते हैं, तुम ना हमसे उकता गए हो, हमारी सकल का सिकंदराबाद तुम्हें अच्छा ही ना ही लगता है। नहीं बिंदुमती ऐसी बात नहीं है, तुम हमको अभी भी वैसी ही लगती हो जैसे पहले लगती थी। हाय राम, तो ये का मतलब है
तुमको हमारी शक्ल पहले भी खराब लगती थी। तो हमका पहले का है ना ही बताए। अब तक किसी ने कहा ही नहीं। अरे वो बिंदुमती, नहीं बिंदुमती, नहीं बिंदुमती, नहीं बिंदुमती, नहीं